देखो यहाँ पे दिया है अरुणिता बिनिता एंड चंद्रमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:3:3 रेशियो रेस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट दिया हुआ है उनका, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है और सर्टिफिकेट और बिल्स पेबल दिया हुआ है। इधर प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, बीआर, स्टॉक और कैश एंड, हाँ ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए है और कैसेट बैंक दिए। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज एट नॉमिनल कैपिटल टुक ओवर द बिजनेस ऑफ द फर्म विथ ऑल इट्स नेसेसरी एसेट्स एंड लाइबिलिटी। द बिजनेस कंसिडरेशन वॉज पेड 24,000 शेयर एंड कैश 1,60,000। तो पहले देखो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का इक्विटी कैपिटल बता रही है उसका खुद का, तो उससे तो अभी यहाँ कोई मतलब नहीं है, वो तो खाली फाइनल बैलेंस शीट बनते समय काम आएगा। यस सर। यहाँ मतलब है कि वो बिजनेस जो खरीद रहा है उसके लिए कितना शेयर इशू कर रहा है, तो 24,000 शेयर इशू कर रहा है ₹10 वाला, यस सर। यानी 2,40,000 ये और 1,60,000 वो कैश में दे रहे हैं, तो 2,40,000 और 1,60,000 4 लाख रुपया का वो पीसी दे रहे हैं। इस पूरे डिसोल्यूशन के लिए 20,000 का खर्चा भी लगा। द बैलेंस अमाउंट ऑफ कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। अच्छा, कैश में कुछ भी बैलेंस बचेगा लास्ट में वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आपको बोला जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, और आपके लेवल पे ज्यादातर पार्टनरशिप फर्म का ही पूछेगा क्योंकि आपसे कंपनी का ये लोग कुछ रेडी नहीं करवाना चाहता, वो ये लोग सेमिस्टर 5 के लिए रख के रखना चाहता है। ठीक है, दे देगा तो कोई बात नहीं, वो भी अपने को पता है। तो पहला काम क्या करेंगे, जनरल एंट्री मांगा है तो पहले एसेट लाइबिलिटी को बंद करने का एंट्री, तो रियलाइजेशन टू एसेट्स। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन टू डेटर टू बीआर टू स्टॉक टू बैंक। देखो क्या बंद नहीं किया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बंद नहीं किया। ठीक है सर, वो तो एक टाइप का लॉस है, पार्टनर झेलेंगे। ओके देखो सर। अगर यहाँ पीएल डेबिट बैलेंस होता बेटा, ये पीएल डेबिट ही है एक टाइप का, यस सर। क्योंकि इधर में एक एक्सपेंस होना ये फिक्टिशियस एसेट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, यस तो ये टेक ओवर नहीं करेंगे। जैसे अगर यहाँ सर। जनरल रिजर्व हाँ, होता, अगर यहाँ कोई रिजर्व होता तो आप क्या करते हो उसका, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। हाँ तो वैसे इधर में कुछ भी पीएल होगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। सर मैं ये बोल रही थी कि ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो कंपनी का एक्सपेंसेस है ना, क्योंकि जैसे वो प्री नहीं 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 पोस्ट नहीं मतलब नहीं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। एक गलती करते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसका है ये मत डिसाइड करो, क्योंकि ओके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ना कोई भी बिजनेस चालू करने का खर्चा होता है। हाँ आप प्री पोस्ट जब करते हो तो उसको कंपनी का क्यों मानते हो, क्योंकि उसी समय बोला है कंपनी में कन्वर्ट हुआ है, तो यानी कंपनी बनाने का खर्चा है। बट एक्चुअली में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वर्ड का मतलब है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का खर्चा। तो हो सकता है ना ये जब पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, मतलब पार्टनरशिप फर्म जब स्टार्ट किया होगा उसका खर्चा रहा होगा। यस सर। हाँ तो ये बात है। हाँ जनरली आप ठीक बोलते हो कि ये कंपनी बनाने में हम लोग यूज करते हैं ये वर्ड, ठीक है, बट ये हो किसी के लिए भी सकता है। तो ओके सर। पहला एंट्री खत्म, दूसरा एंट्री क्या करेंगे, सेक्रेटर और बिल्स पेबल को बंद कर देते हैं, यानी एसेट बंद लाइबिलिटी बंद, रिलायबिलिटी बंद तो कर दो। सिंडिकेटर बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन में क्या मिल रहा है आपको, पीसी एंट्री, पहला एंट्री खत्म एसेट बंद करने का, दूसरा एंट्री खत्म लाइबिलिटी बंद करने का, अब पीसी ड्यू एंट्री। ये सीरियलिटी याद आना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि एंट्री सीरियली पास करें, लेकिन ये बातें अगर याद दी है तो कोई एक एंट्री मिस आउट होगा, क्योंकि यहां आपको कोई बोलेगा नहीं ये पास करो वो पास करो, आपको सोच सोच के पास करना है क्या क्या चीज का एंट्री पास करेंगे। तो एसेट बंद करने का एंट्री, लाइबिलिटी बंद करने का एंट्री, पीसी ड्यू करने का एंट्री। पीसी किससे मिलेगा, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड से, तो वो मेरा डेटर बन गया। और जब हम सारे एसेट लाइबिलिटी के बंद ही कर दिए हैं तो ये सारे डील किससे होंगे, अब रियलाइजेशन अकाउंट से। तो यस स्ट्रॉन्ग टू रियलाइजेशन अपने निकाले थे ना 4 लाख का पीसी ओरली, यस सर। तो देखो यहां पुट कर शेयर्स दिया। वो मिला हाँ के अब उससे मिलेगा पीसी मिलने का एंट्री, ठीक है ना, पीसी रिसीव का एंट्री। तो अब रिसीव में क्या मिला आपको, 2,40,000 का शेयर कैपिटल मिला स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का और थोड़ा पैसा बैंक में मिला।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यस सर। हाँ, अब बोला ऊपर में एक रियलाइजेशन का 20,000 खर्चा भी हुआ, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बैंक। अब जो बात आएगी रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करना है, सर लेजर बना के बंद करते समय तो याद आ जाता है कि अगर डेबिट में अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल लिख दे, क्रेडिट में अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल लिख दे, बट यहाँ याद नहीं आता। और याद भी आया तो फिर क्या रफली बनाए? देखो सजेशन है, एग्जाम में अगर कंफ्यूजन है तो फटाक से टी फॉर्म में बना लो। तो डेबिट किए थे रियलाइजेशन टू एसेट 5 लाख, यहां तुरंत 5 लाख लिख दो। फिर लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन 2 लाख, तो यहां 2 लाख लिख दो। फिर 4 लाख रियलाइजेशन में मिला तो यहां बाई स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 4 लाख लिख दो। फिर रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ 20,000, तो डेबिट में टू बैंक लिख दो। अब देखो रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉस बचेगा, 4 2 6 लाख इधर हो रहा है जबकि इधर हो रहा है 5 लाख 20 हजार, 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यस तो वो 80,000 तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल 3:3:2 में 80,000 को बांट दिए। आप बोलते हैं सर हम लेजर ना ड्रॉ करें, ओरली सोचे तो हाँ भाई, मैं रियलाइजेशन बोलने जा रही थी, खाली उसके डेबिट वाले को ऐड करते थे और क्रेडिट वाले बिल्कुल को। कर सकते हो। डेबिट में मतलब आपका क्या हो रहा है? नुकसान। रियलाइजेशन डेबिट होना मतलब, नुकसान और रियलाइजेशन क्रेडिट होना मतलब फायदा, क्योंकि रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट नेचर लेजर, और नॉमिनल अकाउंट में हमेशा डेबिट में एक्सपेंसेस क्रेडिट में इनकम लिखते हैं। यस तो जब जब डेबिट हो तब तब नुकसान, जब जब क्रेडिट हो तब तब फायदा, वैसे कर लो। लेकिन अगर आपको लगे ना बहुत सारा एंट्री हो रहे हैं तो झटके यस से टी खींच के बना लेना, खाली अमाउंट ही तो लिख के हाँ करना है। आपको कौन बोला अकाउंट बनाने? तो आप तो हम तो यस खाली देखो कोई नाम फाम कुछ नहीं लिखा, बस अमाउंट लिखता गया और अपने आप फिगर निकाल लिया। लेकिन ये एंट्री पास करना, ये याद रखना कि रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस का एंट्री पास करना। हाँ सर, हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया था 2 मार्क्स में, इंटरनल्स में, अच्छा था। उसमें ये था कि डिसोल्यूशन हुआ है तो अब उसमें लायबिलिटी है, कैपिटल मिला के 95 लाख, 50 लाख क्रेडिटर है और 48 और समथिंग, लाइक 95 समथिंग जो आ भी रहा था, फिगर नाइन है टू एट ठीक है। हाँ, तो वो क्रेडिटर्स फिर था, एक 50,000 का क्रेडिटर्स था। फिर एसेट का अमाउंट नहीं दिया था, खाली दिया था 3,000 कैश है, और जो टोटल एसेट्स है वो रियलाइज हुए हैं 12% लॉस पे। तो वो लाइबिलिटी साइड को ऐड करके जो आएगा वही एसेट का टोटल, फिर उसमें से कैश का अमाउंट माइनस करके जो बचेगा वही रियलाइज हुआ है, फिर वो वन हंड्रेड उसको फिर ट्वेल्व परसेंट बेचे है। तो हाँ, अरे तो बाप रे बाप, सब कुछ करा दिया है क्वेश्चन ने। यस सर, तो पहले रियलाइजेशन में पर एसेट मैंने को बंद अमाउंट करने का निकाल एंट्री। लिया। हाँ, फिर पूछा कि लॉस कितना होगा रियलाइजेशन का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये बाप निकालने के बाद मैं सोच रही हूँ अब इसमें लॉस कैसे निकलेगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि लाइबिलिटी आ गया, एसेट इधर आ गया, तो ये तो प्रॉफिट हो गया। फिर लास्ट मोमेंट ठीक हुआ, लाइबिलिटी जैसे आया वैसे तो अपने आप कट जाएगा। पेड़ हाँ भी तो हो तो फिर, जाएगा, हाँ फिर वो लॉस क्योंकि निकला होगा। रियलाइजेशन एक्शन में पहले एसेट बंद करते हैं, फिर एसेट लाइबिलिटी बंद करते हैं, फिर एसेट बेच के पैसा रियलाइज करते हैं और लाइबिलिटी भी पे ऑफ करते हैं। यस सर, तो हाँ ठीक क्वेश्चन है। अच्छा लगा इसलिए डिजिट्स भी याद है। 83,600 वो उनका सेल का वैल्यू है एसेट का, 11,400 लॉस। बढ़िया बात। अच्छा अब देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को पार्टनर्स कैपिटल में भेजने का एंट्री। हम यस बोले सर। थे ना ये पार्टनर में बढ़ जाएगा, तो डिवाइडेड देखो में 20,000, क्योंकि एक एक एसेट को खत्म करना है तो कैपिटल को डेबिट करना होगा, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा, तो तीनों का लॉस हो जाएगा। अब जो भी शेयर मिला और जो भी पैसा मिला वो किस में बटेगा? अल्टीमेटली पार्टनर्स में पार्टनर्स में, तो उनको बांटने का एंट्री। मतलब जो भी मिला पीसी के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री। तो एसेट बंद करने का एंट्री, लायबिलिटी बंद करने का एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस के पेमेंट का एंट्री, पीसी को ड्यू करने का एंट्री, पीसी के मिलने का एंट्री, और फिर पीसी में जो मिला वो पार्टनर में बंटवारा करने का एंट्री। ठीक। यस सर। इस केस में जब ये अक्वायर होता है तब रियलाइजेशन में बैंक कैश सब कुछ आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके क्योंकि बिजनेस बंद करना है ना, तो बैंक कैश सब आ जाता है। ओके।
देखो यहाँ आया भी है शायद। हाँ यही देख के मैं मुझे ऊपर आया ना रियलाइजेशन टू बैंक। बेटा वैसे भी ऐसा, हाँ ठीक है, आप बोलना चाह रहे थे वहां तो कैश बैंक अकाउंट खोल लेते, यस सर। ठीक है कोई बात। ये हो गया आपका काम, पीसी यस अमाउंट निकालने का भी काम, आप तो पहले आपने तो ऑरली कर लिए थे, लोग अलग से करके दिखाया, तो ये आपका सम्स था। लेकिन ये करने का मार्क्स मिलेगा ना हाँ पीसी बिल्कुल में। बिल्कुल 200%। पीसी निकालना कभी भी कोई बिजनेस का मर्जर होता है, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, कंपनी बिजनेस हो, जो भी बिजनेस हो, यस सर। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना इज वन ऑफ द वाइटल थिंग ऑफ दी सम। वो अलग से शो करना ही है, भले एक ही लाइन का हो। खाली अगर इतना ही बोलता ना कि 24,000 इक्विटी शेयर मिल रहा है 10 रुपया वाला और कुछ नहीं मिल रहा, तो भी लिख के दिखाना पड़ता है कि पीसी का फिगर इतना आ रहा है बाबा रे ओके ना, उसका मार्क्स है, क्योंकि ये बहुत वाइटल है। अपर लेवल में जब जाते हैं ना तो पीसी कैलकुलेशन का ही सारा नौटंकी होता है, बाद बाकी आइटम में कुछ हमेला ही नहीं होता सामने। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। नंदिता एंड पायल वेर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। द फर्म वॉज फॉलोइंग कैलेंडर ईयर। ये बढ़िया बात, ध्यान रखना, बोला है मतलब कुछ आगे काम लगेगा इसका। ओके पार्टनर्स कैपिटल दिया नंदिता और पायल का, बिल्स पेएबल क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, मतलब दो क्रेडिटर, एक तो जिससे उधार में रॉ मटेरियल लिए या फिनिश गुड्स लिए, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या कुछ है। यस सर। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड ट्रेड, डेटर, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये गुडविल काम आएगा। 1/1/2012 को नया कंपनी बन गया परिजात लिमिटेड। सर हाँ सर ये जैसे कि यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस दिया हुआ है, अगर हम लोग इसका वो कंपनी बैलेंस शीट होता तो यहाँ पे ये भी अदर करंट में चला जाता ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस मतलब ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यस सर। बेटा क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस हो या क्रेडिटर फॉर एसेट भी होता ना अगर, तो यस अगर सर। शॉर्ट टर्म है तो अदर, और लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाता, ओके ये ध्यान रखना, क्योंकि एसेट का भी तो क्रेडिटर हो ही सकता है, एसेट यस उधार सर। में खरीदे हाँ थे, क्रेडिटर किसी का भी हो सकता है, गुड्स का, एसेट का, एक्सपेंस का। तो गुड्स वाला तो ट्रेड पेबल में चला जाएगा, बाकी अदर के अदर लिए। अब अदर में आप यस। देखो लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म क्या बोला है, राइट ठीक। तो यहां पे बोला परिजात लिमिटेड बन गया, कंपनी वुड नॉट टेक ओवर क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 17,000। कितना है क्रेडिटर एक्सपेंस? 40,000, उसमें से 17 नहीं टेक ओवर करेगा, मतलब ये आपको पे ऑफ खुद करना है, 23 ले लेगा। 23 ले लेगा, बाकी आपको पे ऑफ करना है। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट होगा तो वहाँ रियलाइजेशन टू बैंक भी एक एंट्री हो जाएगा इसको पेमेंट करने का। हाँ सही सब हमने किया है शायद। मेरे को याद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ईयर पेपर है निपटा के खत्म करते, दो तीन यस सम सर। यस सर। एक ही वीडियो में सारा रह जाएगा, और एग्जाम के टाइम में बस इसी को गो थ्रू कर लेना। हाँ एक बात हम फिर बोलेंगे बेटा, हमको यस शिवपर्णा को भी एक बात के लिए टोकना पड़ेगा, शिवपर्णा एक ब्लंडर कर रही है। शिवपर्णा का हम देखा कि कॉस्टिंग में मार्क्स कम है, ठीक, हम यस उसका सर। रीजन सोचने का कोशिश किया, हम उसका रीजन में जो समझा है ये बात, वो टू मच हाई लेवल सम बनाने का कोशिश कर रही है। यस सर। वो जो किया हुआ प्रोसेस अकाउंटिंग है जो पास्ट ईयर में आया हुआ है वो उसमें गड़बड़ करके आ गई क्योंकि वो कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज इसलिए हुई क्योंकि वो टू मच हाई लेवल सम सॉल्व कर रही है, उसको एक चीज समझाना पड़ेगा, बेटा बीकॉम के लिए आप सिर्फ ईयर पेपर का सम प्रैक्टिस करो, लास्ट में आप पहले जो भी बना लो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आप पहले हार्ड लेवल जो बनाओ बढ़िया बात है, मेरे सामने लाओ हम बनाएंगे सब करेंगे, बट थिंग इज जब एग्जाम के टाइम में रिवीजन करो या एग्जाम के 1 महीना पहले रिवीजन करो, तो प्लीज 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 ग्रेजुएशन में सिर्फ ईयर पेपर लास्ट 5-6 साल का सम प्रैक्टिस करो, उसके बियॉन्ड मत जाओ, क्योंकि उससे हो क्या रहा है ना, वो टफनेस वाला बात दिमाग में रह जा रहा है, और वो इजी सम में भी हम वो टफनेस ढूंढना चालू कर देते हैं, और वो यस भारी ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि यस उसको लगता है ये इतना आसान बात तो नहीं होगा, इसमें तो कुछ और ट्विस्ट भी हो सकता है, अगर ऐसा होता तो, वो अगर मगर में बहुत कुछ हो जाता है, जो टीचर सोचा नहीं अगर मगर वो भी आप सोच लीजिए, तो उसमें तो आप फंस गए। सर। एक और चीज है वो कभी कभी ना मतलब उसको अगर सोच के नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो याद कर लेती है। जैसे वो मैथ्स में भी करती है कि मैं प्रूफ क्यों सीखूं, एमसीक्यू आएगा मैं इसको याद ही कर लेती हूँ।
वो ठीक है, वो कहीं कहीं जब समझ में नहीं आता है तो वो यस पार्ट सर, चलते हैं, वो दिक्कत नहीं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो, अगर कोई यस सर, डिफिकल्टी चीज में आपको नहीं समझ में आ रहा, दो बार ट्राई कर लिए, तीन बार ट्राई कर लिए, ठीक है, अब एग्जाम ओरिएंटेड कुछ तो करना पड़ेगा हमको, दैट इज यस नॉट अ सर, प्रॉब्लम। मेरा असली कंसर्न है कि मार्क्स टूटा क्यों। तो जब हम एनालाइज किया, हमको लगा कि वो मेरे सामने जब भी सम्स लेकर आई है वो टू मच हाई लेवल है, वो ऑलमोस्ट सी एंटर या फाइनल तक सम ले जा रही है अरे सीए फाइनल्स, एकदम। उसका दो एक सम ऐसा था जो ऑलमोस्ट सीए फाइनल लेवल पे है, तो वो नहीं करना है अपने को बीकॉम के लिए, तो वो गलती हो रहा है। हर लेवल का अपना एक वैल्यू होता है, तो अपने अगर अपर लेवल करने गए तो उसमें हो यही रहा है कि वो हर समय फिर ट्विस्ट ही ढूंढना चालू कर दे रही है। तो उसको ये चीज समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बोला गुडविल दिया कंपनी का 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग बोला 180, तो गुडविल कितना है बुक्स में 30, उसको ओवर बढ़ाना है वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग 188, मशीनरी 55,000 अबव बुक वैल्यू, फर्नीचर एंड फिटिंग टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, 5,000 डेटर आर ट्रीटेड एज बैड डेब्ट एंड एंड द बैलेंस 5% टू बी ट्रीटेड डाउटफुल फॉर रिकवरी। तो कितना है डेटर, 25,000, जिसमें से 5,000 तो बैड डेब्ट ही हो गया, और फिर 20,000 का 5%, ओ नहीं नहीं सॉरी, इस 5,000 में से 5% बैड डेब्ट रिकवरी भी हुआ है, ये बोलना चाहते हैं ना। नहीं, फर्नीचर एंड फिटिंग्स टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, 5,000 ऑफ डेटर्स टू बी ट्रीटेड एज बैड डेब्ट्स एंड ऑफ द बैलेंस बैड डेब्ट्स के बाद फाइव परसेंट डाउटफुल फॉर रिकवरी, हाँ, तो 5% का प्रोविजन हाँ बनाना है, हाँ तो 20,000 का 5% प्रोविजन बनाना है। कैश एंड बैंक टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी, कैश एंड बैंक कंपनी टेक ओवर कर ले रहा है। यस पीसी बोला है, देखो अब आप लोगों के लेवल पे यहाँ पे क्या होता है, पीसी आप लोगों को डायरेक्ट दे देता है। दे देता है तो पीसी बोला है 20,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगा, ₹10 ईच वाला, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, और 1.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर देगा ₹100 वाला एट पार, और बैलेंस देगा 6%, नहीं, पीसी कैलकुलेट करने बोला है, एंड द बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ 6% डिबेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट, ओके okay. पीसी कैलकुलेट करने बोला है बैलेंस उधर। मतलब वो ना तो करके यस हाँ देखना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे फिगर, so, तब तो अगर बैलेंस ऐसे बोल दिया तब तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल नहीं आएगा क्योंकि जो भी बचेगा वो डिबेंचर बन जाएगा. हाँ तो देखो पहले पीसी कैलकुलेट किया कि पीसी होता कितना नाटो मेथड से। तो देखो एस गुडविल टेक ओवर कर रहा है 50,000 में, लैंड एंड बिल्डिंग टेक ओवर कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी बोला है ना वैल्यू अपवर्ड करेगा तो अपवर्ड वैल्यू, फर्नीचर फिटिंग बोला था 10% डिप्रिशिएट करके लेगा, स्टॉक इन ट्रेड उसी वैल्यू पे ले रहा है, डेटर में ये देखो 25,000 में पहले 5 माइनस किया यस और सर, फिर 1,000 का पीबीडीडी भी माइनस किया, तो 19,000 में डेटर ले रहा है और कैश एट बैंक ले रहा है 28,000 पूरा, बिल्स पेएबल पूरा ले रहा है, ट्रेड क्रेडिटर पूरा ले रहा है, लेकिन ये देखो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस 23,000 ले रहा है जो आप बोले थे उस समय, तो 7,05,000 का वो एसेट ले रहा है और 83 का वो लाइबिलिटी ले रहा है, तो नेट एसेट कितना ले रहा है, 6,22,000 22,000 इतना का वो ले रहा है, लेकिन मेरे को दे क्या रहा है, वो 20,000 का इक्विटी शेयर दे रहा है ₹10 वाला, पांच बैलेंस परसेंट प्रीमियम पे, तो 20,000 इंटू दो दस दो परसेंट लाख था ऊपर प्रीमियम, हाँ सब प्रीमियम 2% नहीं था देख लेते। हाँ सर, 2 ही होगा क्योंकि 12 × 20 करने से तो 24 हो रहा है जो वहां पे है. इक्विटी शेयर बोला 20% प्रीमियम पे, ओके हाँ 20%, तो वहां पे 5 कैसे ले लिया, तभी तो 2 आएगा, तभी तो 12 होगा, तभी वो 240 होगा ना. अच्छा वो 2% ही है, लिखा गलत हाँ है, सर, है 20% ही, तभी वो 2 रुपये हाँ लिखा आएगा. 5% है गलती, हाँ वो यहाँ ट्वेंटी टोटल भी परसेंट सही है है. हाँ टोटल सही है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर वो ले रहा है पार पे, 1,500 हाँ प्रेफरेंस शेयर ₹100 वाला 1,50,000 डिबेंचर के लिए। अब क्या बोला, देखो बैलेंस एज डिबेंचर बोला ना, तो पहले तो बैलेंस अमाउंट निकाल लो, क्योंकि 6,22,000 का तुम्हारा पीसी है, उसमें से यस दो सर, चालीस अगर इक्विटी और 1,50,000 अगर प्रेफरेंस शेयर चला गया तो जो बैलेंस बचा 2,32,
यस सर। अब क्या बोला, 6% डिबेंचर 10 रुपया वाला 5% डिस्काउंट पे इशू करेगा, तो कितना नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किया? सर एक बार ऊपर जाइए। क्वेश्चन में हाँ सर, वो डिबेंचर्स के पार्ट पे यहां बोला है एंड द बैलेंस ऑफ 6% डिबेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट, तो 2,32,000 95% हुआ ना, हाँ 2,32,000 का डिबेंचर देगा क्योंकि यस वैल्यू तो आपने पहले ही फिक्स कर लिए है ना। ओके सर, हम लोग ने 10 ईच अज्यूम किया है। ओके ओके, मैं वही सोच रही थी 10 कहाँ से आया। कौन सा 10? ये जो डिबेंचर्स ऑफ ₹10 अब वो ईच ठीक है, 10 रुपया अज्यूम एज्यूम करा मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। अपने को मेन 2,32,000 डिवाइड बाय डिवाइडेड नाइन्टी बाय फाइव 95%, यानी 2,44,210 रुपया का डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। प्रीमियम ठीक है, पे, तो वो 32 हो जाएगा। हाँ प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। सॉरी ये सब। हाँ तो डिस्काउंट ऑफ द डिबेंचर अगर हो गया तो कितना डिस्काउंट का वैल्यू आएगा फिर? 12,210। अरे 244,210 में से 232 माइनस करो ना, डिस्काउंट का फिगर आ जाएगा, यस उतना सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ 10 रुपये एज्यूम किया है, ये आपका बात करेक्ट है कि कहीं 10 कहीं 100 कैसे एज्यूम कर लेता भगवान मालिक। ठीक है, करना नहीं चाहिए, 100 ही एज्यूम करना चाहिए जब इक्विटी 100 का दिख रहा है। नहीं, इक्विटी 10 का, प्रेफरेंस शेयर 100 का, या एज्यूम कर लिया ठीक है, नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यस सर। ये अपने को पीसी अपने ऐसे पे ऑफ कर रहे हैं। अब अपने से मांगा क्या है क्वेश्चन में, जनरल एंट्री या क्या मांगा है वो देख लो। बोला पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी बोला है और बैलेंस शीट भी बनाने बोला, दोनों ही कंपनी के बुक्स का समय। तो कंपनी के बुक्स में बेटा अपने क्या क्या एंट्री पास करते हैं याद करें। सर सबसे पहले एसेट सारा मेरा हो गया, फिर पीसी देना है उसका एंट्री, और फिर पीसी दे देने का एंट्री। ठीक है, सबसे पहला एंट्री ये लोग खो दिया, आपको करना है कंपनी के टाइम पे हम लोग पहले वो पीसी देना है उसका पहले एंट्री। पीसी ड्यू का एंट्री। हाँ हाँ, ये एंट्री लोग खा गया, आप करोगे, आपको एग्जाम में करना है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट और टू उस फर्म सर का नाम क्या इसमें। है, अच्छा हाँ, यहाँ पे तो लिक्विडेटर नहीं होगा। यहाँ लिक्विडेटर नहीं होगा, यहाँ टू पे तो क्या फॉर्म दिया। पायली पायली करके कुछ था, नहीं ये तो पहला समझा गया, पायली पायली करके था पार्टनर का नाम। ये नंदिता एंड पायली, तो टू टू आप टू पार्टनरशिप फर्म भी, अभी से फर्म का नाम नहीं दिया, फर्म का नाम देना चाहिए था लोग को, ये लोग ये मिस्टेक किया, फर्म का नाम देना चाहिए था लोग को क्योंकि बिजनेस एक्वायर हो रहा है ना, तो बिजनेस परचेज टू पार्टनरशिप फर्म या टू नंदिता एंड पायली इस फर्म कर सकते हो, जो भी नाम कर लो। कितना पीसी दे रहे हो? 6,22,000, तो 6,22,000 का एंट्री कर दो। फिर दूसरा एंट्री क्या होगा यहाँ पे, नंदिता एंड पायली इस पार्टनरशिप फर्म या नंदिता एंड पायली फर्म। नेक्स्ट एंट्री आप जो जो टेक ओवर कर रहे हो, तो देखो आप गुडविल ले रहे हो तो गुडविल डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटा डेबिट, कैश एंड बैंक डेबिट, इधर में बिल्स पेएबल, क्रेडिटर क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस खाली 23,000, पीबीडीडी क्रेडिट और बिजनेस परचेज में 6,22,000 देना है वो क्रेडिट। तो देखो बिजनेस परचेज अकाउंट बंद हो जाएगा यस सर। और नेक्स्ट एंट्री होगा जिसको पेमेंट कर रहे, तो नंदिता एंड पायली। अच्छा ये लोग क्या बुद्धि किया देखे, ये लोग यहाँ टू बिजनेस परचेज करके यहाँ बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट करके खत्म कर लिया, नंदिता एंड पायली को उड़ा दिया। कोई बात नहीं आप करो, तो यहाँ पे बिजनेस परचेज की जगह अपने लिख देंगे नंदिता एंड पायली इस फर्म 6,22,000। हम क्या क्या दे रहे हैं उनको, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं। ठीक, यस सर। हाँ डिबेंचर अपने डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो डिस्काउंट यहाँ डेबिट होगा, और इक्विटी शेयर प्रीमियम पे दिए थे तो प्रीमियम क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। तो ये काम खत्म। अब नया बुक्स में बोला बैलेंस शीट बनाओ, तो देखो शेयर कैपिटल आप
पहले से आपका कैपिटल कितना है बेटा? यह बोला था ना उसके पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी का पहले से भी कैपिटल है, और वो पिछला सब में बोला था, इस सब में नहीं बोला। जो नया कंपनी है उसका कैपिटल नहीं दिए। तो आप कितना रुपया का शेयर इशू कर रहे हो? आप शेयर इशू कर रहे हो 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर और यस 1.5 लाख का इक्विटी शेयर, 3.5 लाख आपका कंपनी बैलेंस शीट में, तब आपको बेटा कंपनी बैलेंस शीट आना पड़ेगा। क्योंकि इस सब में आपको अगर पार्टनरशिप फॉर्म का सम देगा तो आपके एग्जाम में कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट छपा हुआ नहीं होगा। अगर कंपनी टू कंपनी होता ना अमालगमेशन, यस सर तब तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऊपर से ही मिल जाता, यस बट सर ऐसा हुआ तो आपको याद करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल 1 नंबर नोट में लिखे 3.5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में केवल सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका, लेकिन डिस्काउंट माइनस करके। तो हाँ देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या किया, माइनस किया तभी वो 90 आ रहा है, उधर 10 होगा ना उसको। तो देखो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाया, कहाँ गया? ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम लेस डिस्काउंट, तो 27,790 वहाँ लिख दिए। ये देखो ट्रेड पेएबल में दोनों क्रेडिटर और बिल्स पेएबल ऐड कर दिए, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस को ये लोग अदर में डाला होगा। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस को लोग अदर में डाला होगा। तो देखो ये देखो यहाँ पे लॉन्ग हाँ टर्म सर बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर डाला, ट्रेड पेएबल में ये देखो 60,000 डाला क्रेडिटर और बीपी, और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस अकेला था तो उसको कोई नोट नंबर नहीं दिया, डायरेक्ट अदर में डाल दिया, क्योंकि अकेला आइटम का नोट बनाने का जरूरत नहीं नहीं है। होता। सिर्फ 2 केस में होता है, एक शेयर कैपिटल का नोट और एक रिजर्व एंड सरप्लस का नोट, इन दोनों में अकेला हो या दुकेला हो नोट बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो शेयर कैपिटल का नोट में एक चीज गौर कर लेना, हमेशा याद रखना बेटा ये, जब भी नोट्स टू अकाउंट बनाओगे ना, यस सर शेयर कैपिटल लिखना है हेडिंग, पहला हेडिंग लिखना ऑथराइज कैपिटल, आपको नहीं पता कितना ऑथराइज है कोई दिक्कत नहीं, डॉट 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 क्रॉस इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच क्वेश्चन मार्क या डैश दे के छोड़ दो, मतलब ऑथराइज लिख के डबल एरो दे के बंद करके छोड़ना पड़ता है, फिर इशूड एंड सब्सक्राइब लिख के ये लिखो, ओके मतलब कैपिटल का नोट्स शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट आपका एकदम कंपलसरी है। तो उसमें पहले ऑथराइज आएगा, सब में अगर दे दे जैसे लास्ट सब में था ना कि कंपनी का खुद का कैपिटल कितना है, हाँ 50 हजार तब लिखते, की। हाँ तब लिखते। तो यहाँ पे ऑथराइज दे दे तो बढ़िया, नहीं दे तो ऐसे ही डेट दे के छोड़ दो, फिर लिखो इशूड एंड सब्सक्राइब अब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। ओके तो इन दो का रिजर्व शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो का नोट बहुत काम का है। जब कंपनी बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे ना सेमेस्टर 5 में, तब आपको बताएंगे कि ये बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो यस यहाँ पे आपका लाइबिलिटी साइड खत्म। एसेट साइड में आपको जो जो फिक्स एसेट मिला और गुडविल खाली 50,000 का मिला तो वो लिख लिए, और जो जो फिक्स एसेट मिला उसका यहाँ नोट बना दिए, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर, और इधर में ट्रेड पे रिसीवेबल में भी डेटर लेस बैड डेट लेस प्रोविजन, तो आपका जो भी फिगर आ रहा है वो डेटर में चला गया, आपका बैलेंस शीट डन हो गया। कैश एंड बैंक में आप कैश उठाए थे वही लिख दिए, तो जिस जिस में अमाउंट हो उसका नोट बनता है, एक से ज्यादा अमाउंट हो ऑथोराइज कैपिटल और सॉरी कैपिटल और रिजर्व का नोट फिर भी बनाना चाहिए, एक से ज्यादा अमाउंट हो या नहीं। ठीक है यस चलो आखिरी समझो वो भी देख लेते हैं। पी क्यू आर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:2, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, 31/3/2016 दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी ऑफ जेड लिमिटेड टू एक्वायर द पार्टनरशिप फर्म, ऑन दैट डेट देयर कैपिटल बैलेंस बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है उनका कैपिटल बैलेंस 60,000, 40,000 और 20,000 ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर। ओ ये आपको पूरा पार्टनर्स कैपिटल वो कैपिटल निकलवाने में मदद करेगा, ठीक है बढ़िया बात है। वो बैक नहीं कैलकुलेशन बैंक नहीं, सीधा आपको यहाँ पे कभी नहीं बोला है कि उल्टा क्या, आफ्टर एडजस्टमेंट नहीं बोला, सारा बिफोर एडजस्टमेंट बोला है, ओके ओके यस दैट मीन्स सब ओपनिंग कैपिटल सब नॉर्मल कैपिटल आपका। और आपको यहाँ पे ड्राइंग्स भी दी है पी क्यू और आर का, और आपको ड्यूरिंग दिया 2015-16 नेट प्रॉफिट बता दिया 42,000 हुआ है कंपनी को,
फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन गुडविल बुक वैल्यू नील लेने, ठीक है नहीं बताता तो भी नील ही लेते बस, और बुक वैल्यू नील है लेकिन लेते वक्त गुडविल ले रहे 20,000 में, मतलब मेरे बुक्स में गुडविल का कोई वैल्यू ही नहीं है लेकिन जो बिजनेस एक्वायर कर रहा है वो 20,000 रुपया देगा गुडविल का। फिक्स्ड एसेट वेयर रीवैल्यूड बाय 10,000 मोर एंड इट वाज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 5% फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटी 5,000 साल, एक लाइबिलिटी भी है और रिवैल्युएशन में प्रॉफिट भी है, ठीक है। आपको बोला पीसी निकालो, एक इक्विटी शेयर को या प्रेफरेंस शेयर को जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका स्टेटमेंट बनाओ। तो देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे पार्टनरशिप में सम्स ही नहीं मांगा, देखो आपसे न जनरल मांगा न कुछ और मांगा, आपसे क्या मांगा सीधा, एक तो पीसी निकालो और किसका कितना कैपिटल में क्या मिलेगा वो निकालो डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ था, 60, 40 और 30 लिख लिए, 60, 40 और 20 सॉरी। और आपको कितना का प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन में, 42 तो नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म था, ये उसी का बात कर रहा है क्या, 42 का नहीं, 42 तो बाद में बात कर रहा है, तो शायद वो बाकी का बात कर रहा है, वो 20 ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बोल रहा है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तो मेरा पच्चीस हजार कैसे आ रहा है, अच्छा ठीक है समझ गया बेटा, 20,000 से गुडविल बढ़ा, यस सर, 10,000 से एसेट रिवैल्यू हुआ अपवर्ड, यस सर, 30 और 5,000 का एक लायबिलिटी क्रिएट करने बोला है, yes, तो ये कम कर देगा तो अल्टीमेटली 25,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, यस सर, वो 5:3:2 में बढ़ गया और ऐड होगा क्योंकि प्रॉफिट ऐड होता है, हम लोग सीधा सीधा चल रहे, ठीक है, यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो बांटने को मिलेगा ही ना, ऊपर बोला था ना 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मिलेगा तो 60,000 का 10% 6,000, 40,000 का 10% 4,000 और 20,000 का 10% 2,000 रिवैल्यूएशन में आपको, अच्छा प्रॉफिट हुआ आपको पिछले ईयर का 42,000 है ना, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 42,000, हाँ लेकिन उसमें से 12,000 अभी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, यस सर, क्योंकि जब आप पीएल एप्रो बनाते तो यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते 42, yes, है ना, और यहाँ 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटते, अब जो बचता वो पार्टनर में डिवाइड होता ना, 30,000, तो ये देखो 30,000 को 15, 9 और 6 में बांट दिया, था ना मजेदार चीज, यस। अब आपको ड्राइंग लेस भी करना है क्योंकि कैपिटल में आप नहीं दिया ड्राइंग का, नहीं नहीं दिया, वो भी देता तो वो भी लेस करते सर, वो ऐड करते तो, हाँ सॉरी वो ऐड करते, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं वो भी तो लेस ही करते बेटा, कैपिटल को इंटरेस्ट हो या ड्राइंग दोनों तो कैपिटल को कम करता है सर, वो प्रॉफिट के उसमें ऐड हो जाता ना बेटा, यहाँ पे ऐड करते ना, अच्छा यहाँ बोल रहे हो, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ ऐड भी करते और फिर यहाँ नया कैपिटल नया प्रॉफिट निकालते, लेकिन कैपिटल निकालते वक्त ड्राइंग हो या इंटरेस्ट और ड्राइंग दोनों माइनस होता। ओके बेटा, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो ड्राइंग भी यहाँ लिखते हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो यहीं लिखते हो, यानी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इधर लिखते हो और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों तो यहाँ लिखते हो, दोनों ही कैपिटल को रिड्यूस करेगा, ठीक है, yes. तो ये 23,000 का ड्राइंग क्वेश्चन में बोल दिया था, वो लोग का ड्राइंग था 10,000, 8,000, 5,000 लिख दिया, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर फर्म को देता है ना बेटा, आपको एक चीज, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, अब मेरा बात समझना, देखो यहाँ पे एक चीज बताते हैं, जब आप पीएल एप्रो बनाते हो, यस बेटा यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखते हो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यहाँ लिखते क्योंकि वो पार्टनर को, पार्टनर से फर्म को मिलता है, yes, तो फर्म का फायदा हुआ जो आप बोल रहे हो, तो पार्टनर डेबिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखते, सैलरी यहाँ लिखते, कमीशन यहाँ लिखते थे, yes, sir. फिर जो पार्टनर्स में प्रॉफिट बचता था वो पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, yes, अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो यहाँ तीनों का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ डाल देते थे, रिवैल्युएशन का, ये रिवैल्युएशन का प्रॉफिट भी यहाँ डाल दो, ठीक है सैलरी कमीशन भी यहाँ डाल दो, लेकिन ड्राइंग यहाँ डालो क्योंकि ड्राइंग कैपिटल को कम करेगा
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो पार्टनर दे नहीं रहा, तो उससे काटना तो पड़ेगा, तो माइनस डेबिट करो। बैलेंस से। हाँ हाँ ठीक है। तो सर वो जो एडजस्टमेंट हमने किया उसमें हम लोग प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करते टाइम ऐड कर लेते और फिर नीचे ड्राइंग लेस करके लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करते। एकदम एकदम वो एक बार ऐड होता एक बार लेस होता। एक बार ऐड होता, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा तो वो बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड हुआ और पार्टनर में डिवाइड हुआ एज अ प्रॉफिट। लेकिन जब पार्टनर से पैसा लेने का बारी आया, उसका कैपिटल को कम या बेसी करने का बारी आया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर बोलेगा दो मेरे को, बिजनेस बोलेगा क्या यार बार बार लेने देने का बात करो तो तुम्हारे कैपिटल को बढ़ा देते, बढ़ा रहने दो बिजनेस में, ठीक है मान गया। वैसे ही जब ड्राइंग का पैसा बिजनेस मांगने गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा बिजनेस मांगने गया, तो पार्टनर भी बोलेगा क्या यार बार बार कैश का लेन देन करेंगे, कैपिटल तो माइनस कर लो ना, बिजनेस पाता है तो कैपिटल को कम कर लो, पार्टनर पाता है तो कैपिटल को बढ़ा लो, ठीक है। हाँ तो तीनों का एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा पीसी का अमाउंट होगा, जितना उनका एडजस्टेड बोला था ना, जितना उनका एडजस्टेड कैपिटल है उतना फर्म पाएगा एज ए कंपनी, मतलब कंपनी से पार्टनरशिप फर्म इतना रुपया मांगने जाएगा ना, 1,84,000 दो। अब आपसे मांगा क्या क्या था क्वेश्चन में, पहला चीज मांगा था पीसी निकालो, आप पीसी निकाल लिए। दूसरा चीज आपसे बोला था कैपिटल कितना फिगर होगा वो निकालो, वो निकाल दिए। तीसरा स्टेटमेंट मांगा इक्विटी और प्रेफरेंस का बंटवारा कैसे होगा, तो देखो टोटल कितना, देखो बेटा ये सॉलिड सम था, ये आपसे पूरा वो काम करवा लिया, याद है मिनिमम लॉस मेथड और सरप्लस मेथड वाला कहानी, ये आपसे सब कुछ करा लिया है कि सब। मैक्सिमम लॉस मेथड। बस इसीलिए हम लोग स्टूडेंट को एडवाइस करते हैं कि ये नहीं अटेंड करके पीएल प्रायर ही अटेंड कर लेना, क्योंकि ये आदमी को याद ही नहीं आता ऐसा कुछ, हालांकि क्वेश्चन में बोल दिया, चिंता का बात नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या मांगा था आपसे, बोला प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस इन अ सुटेबल मैनर सो दैट देयर राइट रिमेन द सेम इन रेस्पेक्ट इट वॉज देयर पार्टनरशिप बिजनेस। इस तरीके से बांटो कि जैसा उनका राइट्स पार्टनरशिप बिजनेस में था वैसा ही रह जाए। इसका मतलब आपसे वो, ये देखो क्या किया, पहले तीनों पार्टनर इतना इतना पाता है, पीस मिल डिस्ट, ये वो हो गया आपका वो मिनिमम लॉस मेथड एंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले वहां क्या करते थे सरप्लस बेटा, कैपिटल मेथड को सर। हाँ उनके कैपिटल को उनके ही रेशियो से डिवाइड मारो तो आ जाएगा एक फिगर, हाँ 83,500 को 5 से डिवाइड मारे 16,700 आया, 52,500 को 3 से डिवाइड मारे 17,500 आया, 28,000 को 2 से डिवाइड मारे 14,000 आया। अब तीनों में बेस कैपिटल एक लेते हैं जिसका लोअर होता है, तीनों में लोअर कौन है, 14,000 लोअर है, तो 14,000 को बेस कैपिटल पकड़ेंगे और फिर उसको हर एक के पीएसआर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14,000 × 5 70,000, 14,000 × 3 42,000, 14,000 × 2 28,000। तो ये पहले ही नील हो जाएगा क्योंकि अट्ठाईस पाता था, 28 ही है, तो इसका कुछ भी एक्सेस बिजनेस में दिया हुआ नहीं है। लेकिन इन दोनों का कितना एक्सेस दिया हुआ है बिजनेस में, 83,500, 83,500 पी का कैपिटल है जबकि उसका होना चाहिए था 70,000 कैपिटल, तो 13,500 में सीधे के बैठे। वैसे पी का क्यू का कैपिटल 52,500 होना चाहिए था, है अभी सॉरी, जबकि होना चाहिए था 42,000, तो वो 10,500 में सीधे के बैठे। तो इन दोनों को पहले मिलेगा, तो ये थोड़ा थोड़ा कैपिटल एडजस्टमेंट की तरह है ना। बोल सकते हो, बोल सकते हो। अब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो 1,40,000 का इक्विटी जो है, इसको किस रेशियो में बांटा है, इसको तो नॉर्मली बांट दिया। ओ अच्छा, इक्विटी को नॉर्मली बांट दिया और इसको 28,000 मिल गया ना इसका, है ना, तो बस इसको बोला अलविदा, प्रिफरेंस शेयर केवल इन दोनों को बांटा। और वो उतना ही अमाउंट आया। एग्जैक्टली ठीक है। अब नॉर्मली आपको बोला ये तो रिवेल्यूशन अकाउंट बनाया तो उसमें तो भी बना लिए थे, ये क्या बनाया, सर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ
तो 15 में दे।